अभी कॉमसन से ऑर्डर लेने के लिए आए हैं। पैंट्री कार तो है नहीं, लेकिन कॉमसन से ऑर्डर लेने के लिए आए हैं। तो जहाँ पे मतलब नेक्स्ट रुकेगी वहाँ से ये लोग जो है आपका खाना डिलीवर कराएंगे। टोटल 3 मिनट का हॉल्ट है हमारा यहाँ पे। सो व्यूज देखो, कितने जबरदस्त व्यूज हैं यार, देख के मजा आ गया सच में। ये है डायमंड क्रॉसिंग देखो। तो भाई लोग, अभी हम हैं आगरा के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर, और आज की हमारी जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो काफ़ी बदनाम ट्रेन में होने वाली है। जी हाँ, लेट होने के लिए बदनाम होने वाली ट्रेन, और जिसका कि रिकॉर्ड है आज तक कभी वो टाइम पर पहुंची ही नहीं। तो हमारी आज की जर्नी होने वाली है गोंडवाना एक्सप्रेस में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो ये है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट सामने लिखा हुआ है, आगरा छावनी, और इधर लगा हुआ है हमारा फ्लैग, और एंट्री है उधर साइड से, वहाँ से है एंट्री फ्लैग के। एंट्री एक्चुअली इधर से भी ले सकते हैं आप, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ से हमको लेनी है एंट्री और चलना है अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आएगी हमारी ट्रेन, और बाकी बातें बाद में करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अब एक्चुअली जान लेते हैं ट्रेन के बारे में और इस स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस स्टेशन का स्टेशन कोड है AGC आगरा कैंट, और ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से लगभग आपको सभी जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और जो इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसका भी स्टॉपेज यहाँ पर है। ये मैं गतिमान एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, और बाकी हमारी जो ट्रेन है वो है गोंडवाना एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12410, जो कि आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 5:33 पर, और ये चलती है हजरत निजामुद्दीन से रायगढ़ के बीच में। और हमारी जो आज की जर्नी है वो होने वाली है आगरा कैंट से गोंदिया जंक्शन तक। दोस्तों, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन NCR मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है, और इसका जो डिवीज़न है वो खुद आगरा है। अब दोस्तों, आगरा आए हैं तो आगरा की फेमस चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं कि आगरा किस बात के लिए फेमस है। सबसे पहली बात तो आगरा दोनों बातों के लिए दुनिया में फेमस है, और दोनों बातें बोले तो यानी कि आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, जो कि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, और साथ ही साथ दूसरा आगरा फेमस है यहाँ के पंछी पेठा के लिए। तो यहाँ का जो पंछी पेठा है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। और दोस्तों, एक ही दुकान है, कई लोगों ने कॉपी करके रखा हुआ है उस दुकान को, एक ही दुकान है। बाकी ये बातें अभी जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के अंदर चल के करते हैं। और जो हमारी सीट है ना, वो RAC में है, कन्फर्म नहीं हुई थी एट दी टाइम, मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे जो है RAC में ही मिल गई, क्योंकि मुझे अर्जेंटली निकलना था। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि चलो कम से कम सीट तो मिल गई। और जो हमारा कोच नंबर है वो B5 है, 3rd AC में, और सीट नंबर हमारा जो है वो है 63। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर शीतल जल की व्यवस्था की गई है, फ्री में आप पानी पी सकते हैं यहाँ पर, घड़े का, मटके का। तो एक बार हम भी पानी पीते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में जो है घड़े का पानी भी गर्म हो चुका था। खैर कोई नहीं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी जो है टाइम हुआ है 5 बजे हैं अभी, और लगभग 5:03 हुआ है अभी, आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन आएगी। और जो मुझको फेयर पड़ा है वो 1420 रुपये पड़ा है आगरा कैंट से लेके गोंदिया तक। तो भाई, जब तक ट्रेन आती है ना, मतलब ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में 6 जो है 3rd AC के कोच हैं, 6 स्लीपर कोच है, और 4 जो है जनरल के कोच लगे हुए हैं, और 2 2nd AC के कोच लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ये है इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन का लेआउट। और अभी टाइम है मेरी ट्रेन आने में थोड़ा सा, देखते हैं आज इस ट्रेन का जो है रिकॉर्ड क्या रहता है, कि अपना ये रिकॉर्ड तोड़ पाती है नहीं तोड़ पाती है। और दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन से लेकर रायगढ़ तक यह ट्रेन टोटल 27 आवर्स का टाइम कंज्यूम करती है, और सच्चा मेरी जर्नी का जो टाइमिंग है वो है 14 आवर्स का। ये है आगरा कैंट का जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और दोस्तों साफ सफाई तो काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है, ऊपर डिस्प्ले बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं। अभी एक बार पानी की बोतल वगैरह ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये है फर्स्ट क्लास वालों के लिए AC वेटिंग हॉल। तो अगर आपकी टिकट फर्स्ट क्लास में है तो आप यहाँ पे जो है वेट कर सकते हैं।
और उधर देख सकते हो आप गतिमान एक्सप्रेस सामने आ गई है, वो वहाँ पे आगरा कैंट पे। तो एक्चुअली मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई हुई है ट्रेन वो सामने। तो भाई लेट होने का सिलसिला जो है स्टार्ट हो चुका है और ट्रेन हमारी आधा घंटा लेट है। 5:33 पर आगरा कैंट पहुँचने का टाइम था लेकिन अभी तक नहीं आई है। 6:01 टाइम बता रहा है कि 6:01 पर आएगी। अब देखते हैं 6:01 पे भी आ पाती है नहीं आ पाती है। तो भाई मेरे पीछे खड़ी हुई है गरीब रथ, चेन्नई गरीब रथ। और दोस्तों बताऊँ एक बात कि जो हमारी गोंडवाना एक्सप्रेस है ना उससे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है गरीब रथ को दी गई है। तो पहले उसको रोक कर इसको निकाला गया है तो इस वजह से पहले ये पहुँची है यहाँ पर। तो भाई अब जाकर 6:17 हुए हैं और हमारी ट्रेन आ रही है। अभी जो कोच इंडिकेटर बोर्ड है उन पर डिस्प्ले हो गया है ट्रेन नंबर और जो कोच की पोजीशन है वो। तो मैं अपनी कोच की जो पोजीशन है वहाँ पर जा रहा हूँ। और भीड़ देखो क्या जबरदस्त भीड़ है यार इधर। फाइनली यार ट्रेन का दीदार हो गया और ये है यहाँ पे V5, यहीं पे लगेगा V5। तो एक बार यहीं पे वेट करते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे भीड़ भी कम है काफ़ी ज़्यादा। और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म में एंटर कर चुकी है। तुगलकाबाद का WAP-7 और भाई ट्रेन में कर्टेंस जो है वो लग चुके हैं, देखते हैं बेड रोल्स वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। V4 और नेक्स्ट रो वाला है V5। भाई V5 से एंट्री लेते हैं, इसी वाले गेट से एंट्री लेते हैं क्योंकि हमारा 63 है तो इधर साइड ही पड़ जाएगा। और 2 मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पे। लास्ट में चलो मम्मी यार मैं। तो जो है मेरी सीट नंबर थी 63 और जो भैया थे उन्होंने ये बोला कि हम तीनों लोग जो है साथ में हैं तो आप ये 47 ले लो। तो फिलहाल सीट एक्सचेंज कर लिया और इधर बैठते हैं। आप क्या सीट में? तो जो है फिलहाल ट्रेन में बोर्ड कर लिया है। और एक बात आपको बता दूं कि ट्रेन में जो है पेंट्री कार नहीं है तो आप खाने वगैरह का अपने साथ लेके चढ़िएगा यहाँ पर। 2 मिनट का ही स्टॉप था यहाँ पे और वही ट्रेन छूट चुकी है यहाँ से। तो एक बार आपको डिपार्चर दिखाते हैं। तो 6:26 पे डिपार्ट किया है यहाँ पे और लगभग 18 पे आई थी तो काफ़ी टाइम रुकी। 2 मिनट का ही हॉल्ट था यहाँ पे, फिर भी जो है काफ़ी देर तक रुकी रही। और भीड़ देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। खैर चलो देखते हैं जर्नी कैसी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो ग्वालियर जंक्शन होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो वीरांगना लक्ष्मीबाई। हाँ रेसिंग है दोनों के अंदर से ना। हाँ हाँ दोनों बैठ सकते हैं। और कौन है साथ में? और एक भैया उनकी बैठ सीट है ना। नहीं अभी तो खाली है ना वो सीट। हाँ अभी खाली। हाँ हाँ एक भैया और बैठे वो बैठे कोई दिक्कत नहीं बैठा रहे अभी। तो भाई आगरा छावनी बाय बाय। और देखो अंडी बीड़ी पी रही हैं मस्त एकदम।
अभी भाई यहाँ से ना एक जबरदस्त टर्न है, खैर मैं इस साइड हूँ नहीं तो दिखाता। ये देखिए ट्रेन, दुर्घटना राहत गाड़ी आगरा। यहाँ पे कॉमसम से ऑर्डर लेने के लिए आए हैं, पैंट्री कार तो है नहीं लेकिन कॉमसम से ऑर्डर लेने के लिए आए हैं, तो जहाँ पे मतलब नेक्स्ट रुकेगी वहाँ से ये लोग जो है आपका खाना डिलीवर कराएंगे। सो हमको बेड रोल्स वगैरह मिल चुका है और एक बार इसको बिछाते हैं। अभी थोड़ा सा साफ नहीं है, गंदा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी चलता है और थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ तो इस वजह से मैनेज करिएगा आप लोग। तो एक बार वॉशरूम भी आपको दिखाई देता हूँ ट्रेन का चलते चलते। और वॉशरूम की कंडीशन अभी तो लगभग ठीक है, बाकी स्मेल नहीं अच्छी आ रही है। और हैंड सैनिटाइज़र भी दिया गया है, मतलब हैंड वॉश भी दिया गया है और पानी वगैरह भी आ रहा है। ओवरऑल जो स्मेल है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है। मैंने बोला था कि पैंट्री कार जो है इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, तो हाँ पैंट्री कार इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोग जो है खाना ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेशन पे आपका ऑर्डर लेके आ जाएंगे। तो जो मतलब अंडा बिरयानी वगैरह जिस तरीके का भी खाना है वो यहाँ पे ऑर्डर के थ्रू आपको मिल जाएगा। मोस्टली ना अब रात होने वाली है तो मैं जो है ब्लॉग वॉल्यूम भी पहुँच के आपसे बात करता हूँ सीधा सीधा, और रात में यार ज़्यादा ब्लॉग करूँगा नहीं। जो मेन जंक्शन है जैसे कि भोपाल और अपना ग्वालियर और झांसी भिरंगना लक्ष्मी भाई, तो ये स्टेशन तो मैं कवर करूँगा रात में उठ करके। और रात में फिर हर एक बार नींद आ जाती है ना, तो फिर उठना मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा सा। बाकी ट्रेन का लेट होने का तो इतना रिकॉर्ड है कि एक बार ये ट्रेन जो है 17 घंटे लेट हो गई थी। अभी जो है सब लोग अपने बेड लगा करके सोने लगे हैं। भैया इसके नीचे और पड़ा होगा वो निकाल लियो। और हो सकता है शायद हमको जो है नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग देखने का मौका मिले। जो है नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
सो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है ग्वालियर और बाहर बारिश हो रही है। अगेन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और जो ग्वालियर जंक्शन का स्टेशन कोड है GWL और ये आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, झांसी डिवीजन है इसका। सो अभी पहुंच गए हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर और इसका स्टेशन कोड है VGLV। और बारिश देख सकते हो आप लोग कितना तेज हो रही है। एक्चुअली बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, देखते हैं। क्या बात है मौसम के नज़ारे। अभी टाइम हुआ है 9:20 और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है 3DLP और टोटल 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 13 ट्रैक है यहाँ पे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के झांसी डिवीजन में आता है। हमारी ट्रेन का टाइम था 8:55 पर और ट्रेन हमारी पहुँची है 9:20 पर। काफ़ी तेज बारिश हो रही है, ट्रेन में काफ़ी तेज हो रहा हूँ। हमारी ट्रेन खड़ी हुई है बारिश में, देख सकते हो आप सब। तो अभी ये हमारा दूसरा हॉल्ट था, पहला हॉल्ट था ग्वालियर और उसके बाद हमारा ये दूसरा हॉल्ट है। इसके बाद और जो भी हॉल्ट आते हैं वो देखते हैं कवर कर पाते हैं नहीं बारिश की वजह से। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है तो ये देख सकते हो कितनी कसके बारिश हो रही है, कितनी भयंकर बारिश हो रही है। और भाई अभी तक तो रेड सिग्नल है, खैर अभी स्टार्टर सिग्नल भी नहीं हुआ है। बाकी यार मॉनसून में ट्रेन राइड ना मज़ा आ जाता है। चलो इसी बहाने ट्रेन भी धुली जा रही है। टोटल 3 मिनट का हॉल्ट है हमारा यहाँ पे। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और जो है मैं भी अब वीडियो जो है सुबह ही मिलूंगा आपसे। देखते हैं सुबह नागपुर के आसपास कहीं मिलते हैं और नागपुर की जो डायमंड क्रॉसिंग है वो भी दिखाएंगे। यार अभी सोने का भी टाइम हो रहा है और सो जाते हैं, 9 बज गए हैं। खैर मेरा तो यही सोने का टाइम है, मिलते हैं सुबह। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है VGLV से। ठीक है सर, ठीक। मैं भर्ती हुआ 2012 में, तो मेरे पापा सर 2015 में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच गई है मुल्ताई, लगभग 1 घंटा लेट है। बाकी जो है रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस रूट पर अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो जो है रात को ट्रैवल ना करें, दिन को ट्रैवल करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं देखने के लिए। और जो अभी डिस्टेंस हमने टोटल कवर करी है वो 752 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर करी है। अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर।
और यार इस स्टेशन का स्टेशन कोड है MTY, और ये इसके बाद शायद एक पेंदू करके कोई स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद नागपुर जंक्शन आएगा। इसका डिवीज़न जो है वो नागपुर है और जोन जो है सेंट्रल रेलवे है। बाकी यार मानसून में अगर ट्रैवल कर दो ना तो मज़ा आ जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। देखो कितने जबरदस्त व्यूज हैं यार, देख के मजा आ गया सच में। सो आई थिंक ये संतरे के पेड़ हैं, नागपुरी संतरा इधर ही लगता होगा। संतरे का बाग तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच गई है पंदौड़ा, और 2 मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पे,
इस तरीके का ये रेलवे स्टेशन है, दो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और सेंट्रल रेलवे के अंडर में नागपुर डिवीज़न में आता है। बाकी ट्रेन जो है लेट ही चल रही है अभी तक, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा नागपुर। पहुंचने वाले हैं नागपुर, और दोस्तों नागपुर में एशिया की वन एंड ओनली डायमंड क्रॉसिंग। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डायमंड क्रॉसिंग देखने के लिए। आप लोग हैं क्या एक्साइटेड? सो वो वहाँ पे है डायमंड क्रॉसिंग। वो एक्चुअली वहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग है। वो रही डायमंड क्रॉसिंग, देखो वो इधर है। ये है दोस्तों डायमंड क्रॉसिंग, और ये है एशिया की वन एंड ओनली डायमंड क्रॉसिंग था ये। यहाँ पे जो है चारों दिशाओं से ट्रेन आती है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नागपुर जंक्शन, स्टेशन कोड है NGP, और सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है ये, और इसका डिवीज़न खुद नागपुर है। तो ट्रेन जो है यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुँच गई, 8:20 पर टाइम था यहाँ पे, और 8:15 पे ही ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई। और दोस्तों नागपुर जो फेमस है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो यहाँ का संतरा, और दूसरा जो है डायमंड क्रॉसिंग। तो डायमंड क्रॉसिंग तो मैंने आपको दिखाई, और अभी एक्चुअली पता नहीं संतरा का सीज़न चल रहा है या नहीं चल रहा, तो संतरा तो अभी मुझे नहीं मिला कहीं देखने के लिए। बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि लोगों रिवर्सल होगा, काफ़ी देर तक यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। और अभी हमारी ट्रेन जो पहुँची है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुँची है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा रहा इस ट्रेन के साथ में। अभी दोस्तों मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे जाना था गोंदिया तक, लेकिन मैं अभी रास्ते में उतर रहा हूँ भंडारा रोड, जो एक इसके नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वहीं पर मैं डिवोट कर रहा हूँ इस ट्रेन को। तो जो ट्रेन का AC वगैरह और मतलब सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है इस ट्रेन से। बाकी रास्ते में जो ऑरेंजेस के गार्डन पड़े थे वो भी दिखाए आपको, और कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। नागपुर में इस तरीके का पानी की बोतल मिल जाएगी, जो कि 5 रुपये में आपको दे देंगे फिल करके IRCTC की तरफ से। दोस्तों एक बात बता दूँगा आपको, नागपुर जो है ना, नागपुर से आपको जो लाइन्स मिल जाएंगी वो दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, और दिल्ली मुंबई हावड़ा ये लाइन, और भोपाल, ये सारी लाइन्स मिल जाएंगी। लगभग मतलब सारे बड़े शहरों के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे लोगो आ गया है, और हो सकता है कि हम लोग अभी डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से निकलें। और यहाँ पे बना हुआ है केबल स्टेट ब्रिज। ट्रेन हमारी नागपुर जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है, और जो टाइम था ना ट्रेन
हमारी नागपुर जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है और 9:04 पे इसको यहाँ से डिपार्ट किया गया। एक्चुअली इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से काफ़ी लेट यहाँ से डिपार्ट हुई है। बाकी अभी जो है डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से ये ट्रेन निकलेगी, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो उधर सामने है डायमंड क्रॉसिंग और उधर ही हमारी ट्रेन बढ़ रही है आगे। और भाई मोबाइल चोर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पे, तो उनसे ज़रा थोड़ा सा बच के रहें। ये है डायमंड क्रॉसिंग, देखो ये हाँ चारों तरफ से हैं। सो ये है डायमंड क्रॉसिंग। खड़े लोग भाई 10:05 हो गए हैं और हम पहुंच चुके हैं भंडारा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि है हमारा डेस्टिनेशन। और इसका स्टेशन कोड है BRD। 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में आता है। बाकी ट्रेन हमारी जो है थोड़ा सा लेट हो गई, 20 यहाँ पर लेट पहुँची है, क्योंकि तो नागपुर में जो है इंजन का थोड़ा सा इशू आ गया था। फिलहाल मुझे जाना था गोंदिया तक, लेकिन जो है मैं इस जर्नी को यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ ड्यू टू सम इमरजेंसी रीजंस। और ट्रेन हमारी जो है बीना और ललितपुर भोपाल इटारसी होते हुए यहाँ तक पहुँची। और रात में एक्चुअली मैं सो गया था और बारिश भी हो रही थी, इस वजह से जो है सारे स्टेशंस कवर नहीं कर पाए, कम ही इन्फॉर्मेशन दे पाए। पीछे हमारी ट्रेन जा रही है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।